अरे बाप रे, मर गई रे। डिमलाती गिर गई है, पैर ना हिल गया और हाथ कटवा लिए। आराम से नहीं जा पा रहे थे हैं? अरे आराम से आई, आराम से आई। पैर झटको आई, पैर वे हिलाया हूँ भाई इनका, मुड़ गया। चलो छोड़ो, अब कल बनेगा खाना। हट, खाना तो खाना ही पड़ेगा। गिर गए इधर से, फिसल गई। हाँ चलो, उनको अस्पताल लेके चल लल्ला। हाथ कट गया, चलो आपको इमरजेंसी में लेके चलते हैं। चलो भाग, उठो उठो, चलो उठो उठो। वही वाला हाथ कटा जो हाथ दे रही हो। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नीता जी के किचन में। आज हमारे किचन में बनने जा रहा सुबह सुबह ही दाल तड़का, पुलाव और गोभी आलू की सब्जी शादी वाली। तो चलिए जल्दी जल्दी हम बनाते हैं, क्योंकि सामान हम तैयार कर चुके हैं। अब बनाते हैं आज दाल तड़का, पुलाव और गोभी की सब्जी। तो दाल तड़का ना कई तरीके से बनता है, तो आज मैं चना दाल का दाल तड़का बनाने वाली हूँ। तो चना दाल हमारे घर में था, हम चलते हैं बनाने। तो आप लोग भी तैयार हो जाइएगा खाने के लिए। हमारे गार्डन में ना जैस्मिन का फूल लगाए हैं, जल्दी जल्दी बना ले, नहीं तो हमारे हीरो गुस्सा हो जाएंगे। हीरो भाग गए हैं काम करने। कुकर नहीं लाए हैं? कुकर लिया, किचन में है। आज हम कुकर में जल्दी से सीटी लगवाएंगे, बारिश भी आने वाला है। तेरा किधर है, ये गलिया, ये चौबारा, ये पता है हम नहीं, हमारे हस्बैंड काला कर दिए हैं। अब हम कम नहीं है। आपको? हाँ। आपको कुकर को? कुकर को? अच्छा। हम तो काला थे ही थोड़ा सा। नहीं मम्मी, आप तो गोरे हो। आज पाउडर लगाई हूँ। अच्छा, पता है कितना महंगा पाउडर लगाई हूँ? कितने का? 120। हाँ 120 का आया है, देखा? एक साल चल जाता है, देखा ना। लैक्मी का है। लैक्मी का एक सर, वो मम्मी नकली ब्रांड, लैक्मी का नहीं है, हाँ असली है मम्मी, एकदम असली लैक्मी है, एकदम असली सूखा वाला पाउडर। तो कुकर हम लेप लगा लिए हैं कुकर में, और चना दाल और पुलाव के लिए चावल भी ले लिए हैं। लिया बाबू, लिया, जल्दी जल्दी लिया, धोएंगे बनाएंगे। तो देखिए चना दाल आप अपने फैमिली के हिसाब से लें, हम आज अपने फैमिली के हिसाब से ही बना रहे, थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊंगी, क्योंकि चना दाल का दाल तड़का ना सभी को बहुत पसंद आता है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, तड़का मिले या दाल खाएंगे हम आज। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, दाल में पानी डाल देंगे चार गुना, ठीक है, चार गुना पानी डालेंगे दाल के, चार गुना पानी। कितने हमारे दोस्त शादियों में दाल तड़का खाए हैं चना दाल वाला, बताइएगा। अब इसमें देखिए क्या क्या जाएगा, इसमें जाएगा हल्दी अपने पीले के अनुसार, और जाएगा नमक स्वाद अनुसार। और प्लीज लकड़ी लेके आओ। अब कुकर हो गया बंद, जय हो चूल्हा महाराज, जल्दी खाना बना दीजिएगा। कोई बता सकता है चूल्हा लड़का है कि लड़की? ए भाई, बरसात अभी आया नहीं, माखी सब गड़बड़े सन धोखा दे रहा है, डब्बा में रखना पड़ेगा। तीन गो माचिस मेरा जियान हो गया। तो दोस्तों धनिया पत्ता टमाटर लेने जाना है खेत में, प्लीज लेके आ जाइए ना आप।
भाई मैं चलती हूँ खेतों में, मेरे प्रिंस चूल्हा जलाएंगे। अरे बाप रे मर गई रे, ढिमलाती गिर गई है, पैर ना हिल गया और हाथ कटवा लिए, आराम से नहीं जा पा रहे थे हैं। अरे आराम से आई, आराम से आई, पैर झटको भाई, पैर वाले हिलाया हूँ भाई इनका, मुड़ गए। चलो छोड़ो अब कल बनेगा खाना, हट खाना तो खाना ही पड़ेगा, गिर गए इधर से फिसल के। हाँ चलो उनको अस्पताल लेके चल, अल्लाह हाथ कट गया, चलो आपको इमरजेंसी में लेके चलते हैं, चलो भाग। उठो उठो, चलो उठो उठो, वही वाला हाथ कटा जो हाथ दे रही हो, ये तार से पैर हाथ कटा है, ये तार जो था ना यहाँ पे, ये काम हुआ था, तार पड़ा हुआ था, ये रहा तार, हटा तार को, दिखा अंदर, उसको ज्यादा ही कट गया जरा, कुछ लगा लो फिर बैंडेज वंडेज, तोड़ूंगी तो जरूर, बोल रहा हूँ चलो तो चल नहीं रही है। देखिए दोस्तों मैं आई थी टमाटर लेने और धनिया पत्ता लेने, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया, अब मोच आ गया, चला नहीं जा रहा, अब दिखाएंगे किसी को, अरे बाप रे, लेकिन टमाटर दिखा दूंगा आपको, चलो फिर टमाटर बेचारा कैसे टूट गया गिरने से मेरे, ये देख कितना फल आया टमाटर, देख रहे हैं, अभी मैं टमाटर का देखूँ कि पैर का देखूँ अपना, बोल दे रहा हूँ चलो, अभी तोड़ के लेके जाऊंगी तभी कुछ करूंगी, देखिए वीडियो तो मेरा काम है, चाहे दर्द हो चाहे कुछ भी हो, काम तो करना ही है, लेकिन अभी वहाँ चलूंगी तो बच्चे से मलहम लगवाऊंगी, धनिया ले ली हूँ दोस्तों, धनिया लेने आई थी, वो टमाटर इसमें था दोस्तों, बच्चा बोल रहे हैं कि चोट लग गया फिर भी वीडियो बना रही हो, देख रहे हैं मेरा पिंच चूल्हा जला रहा, मैं गिर गई तो दौड़ के गया, मुंह लिया बाबू, चलने नहीं दे रहा, तो लगा ना कि कोई ढा दिया, ऐसा हो गया, अंदर से गहरा कट गया है, देख रहे हैं पूरी चमड़ी छिल गया, छन छन आ रहा है, मुंह लेने गया है लड़का, अब ये ना मुड़ी नहीं रहा, पता नहीं इसमें मुँह आ गया लग रहा है, ऐसा लगा ना दोस्तों कि कोई ढा दिया मेरे को, ऐसा लगा, इतना बार जाती हूँ आती हूँ नहीं गिरती हूँ कभी, दाल तो चार बिसल मार दिया है दोस्तों, बच्चे बोल रहे हैं मत बनाओ, मैं बनाता हूँ मम्मी, ये देख रहे हैं पट्टी तो मुँह लगा के गर्म पट्टी बांध दी है, लेकिन लग रहा है कि इस नस में कुछ हो गया, क्योंकि जब मैं गिरी ना तो पैर बिल्कुल ऐसे मुड़ गया, ये बिल्कुल चला नहीं जा रहा, अब देखती हूँ यहाँ बैठे बैठे बना देती हूँ खाना, क्योंकि बच्चे बनाएंगे चूल्हे पर तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे तो गैस पर बना ही लेते हैं, लेकिन गैस पर बना देते हैं ना हम सारा सामान, लेकिन मैं क्या करूँगी बैठ के, फिर सब कुछ सामान निकाल ही नहीं हूँ, यहीं पर बना कर दिखा देती हूँ दोस्तों, तो दाल तो हमारा उबल गया है, अब तड़का लगाना इसमें बाकी है, लेकिन इधर मैं सब्जी बना रही हूँ सिंपल सा ही, तो यहीं पर देखिए आलू गोभी काट के धो के रखी हूँ दोस्तों, सरसों का तेल डाल रही हूँ चार बड़ा चम्मच जितना, आधा किलो गोभी था, एक पाव आलू है, का पता मन में 50 बात आ रही है, जैस्मिन का फूल लगा ली थी बाल में, भगवान जाने क्यों गिरी, गोभी आलू को हम बढ़िया से फ्राई कर लेंगे, तेल में 2-3 तेज पत्ता, 2 चुटकी जीरा और 2 प्याज डाल दूंगी, यहीं पे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हल्दी,
छोटा चम्मच मिर्ची, मिर्ची अपना तीखे के अनुसार डालें आप, उससे कलर टमाटर ज़्यादा नहीं था, एक चम्मच धनिया पाउडर और यहीं पे स्वाद अनुसार नमक, एक चम्मच गरम मसाला डाल के दाल तड़का की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। जलावन भी ना जलाना जरूरी था, बना था ना मड़ई, बना था ना वो बांस वाला बंबू हाउस, उसमें से बहुत सारा निकला था, ये बरसात में सड़ जाएगा। लटपटी बनाऊंगी, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दे रही हूँ, ऐसे तो लगता है कि नहीं लगता, देख लियो प्रिंस, आप लोग देखते रहिएगा वीडियो, आज आपको पता चलेगा लगा है कि नहीं लगा। तो सब्जी कंप्लीट हो गया है, अब दाल तड़का मैं तड़का लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद पुलाव चढ़ा दूंगी। सरसों का तेल डालेंगे, आप घी में भी बना सकते हैं चना दाल तड़का। तेल गर्म होते ही आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, दो बड़ी साइज की ये हमारे पास लाल मिर्ची है, हरा मिर्ची दो चुटकी, मेथी दाना तड़का को ना अच्छा से बढ़िया से भूनिएगा ना तो टेस्ट अच्छा आता है दाल तड़का में। यहाँ पे चार छोटे साइज का प्याज काट के डाल दूँ मैं, अब यहीं पे प्याज के अनुसार ही नमक डालेंगे, दाल में नमक पहले से ही है। प्याज को ना अच्छा से भूनने देंगे और यहीं पे डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर चटपटा फ्लेवर चाहिए दाल तड़का का तभी डालें, और थोड़ा सा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, इन सबको अच्छा से भून लेना है प्याज के साथ ही। टमाटर लिए फिर डाल देंगे इसी में, टमाटर भी गल जाएगा। तो तड़का देख रहे हैं कितना अच्छा से भून गया है, ये देखिए देखिए, इधर हमारा दाल भी अच्छा से गल चुका है। अब इसमें एक उबाल आने तक हम अच्छा से पकाएंगे, आप चाहे तो इसमें दो चुटकी गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दाल तड़का तैयार है, अच्छा से उबाल आ चुका है, कुकर में ही हम पुलाव बना लेंगे। बनाना था दोस्तों हांडी में, लेकिन उसमें लेप ही नहीं लगाई हूँ। यहाँ पे दो चम्मच हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं, यहाँ पे कुछ खड़ा मसाला लिए हैं, एक दालचीनी का टुकड़ा थोड़ा सा है, एक बड़ी इलायची, दो तीन लौंग, थोड़ा सा जावित्री का फूल, आधा छोटा चम्मच जीरा और यहाँ पे दो तेज पत्ता, तड़का में डाल देते हैं। यहीं पे एक छोटा चम्मच बटर भी डाल रही हूँ। तड़का को अच्छा से भूनने के बाद में प्याज एक हम बड़े साइज का रफली काटे हैं, अब यहाँ पे देखिए हम लॉन्ग राइस लिए हैं, अब किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, सिंपल चावल का भी बना सकते हैं।
अब आ जाती है बारी कि पानी कितना डालें कुकर में बना रहे हैं तो जितना आप चावल ले रहे हैं उसी के हिसाब से उसी नाप से पानी ले लें, नहीं तो हमारा जो हिसाब है मैं कैसे बना लेती हूँ कभी भी। अब देखिए तो मैं कैसे पानी डाल लेती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से पानी भी मैं डाल लेती हूँ। चावल को बराबर कर देंगे, हाथों से नापेंगे, ये देखिए ये निशान तक पानी आना चाहिए, आपका पुलाव बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब देखिए ये प्याज भून गया है इस तरीके से, बहुत ही आसान मेथड है ये। आजकल के बच्चे बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कितना पानी डालें चावल में कितना नहीं, तो इसीलिए मैं आसान सा तरीका बताई है। सभी की उंगली में तो यहाँ पे लकीर होता ही है, ये देख रहे हैं पहला वाला लकीर में ही है, और चावल के ऊपर डिपेंड करता है, कोई चावल में थोड़ा ज़्यादा पानी लगता है कोई में कम। थोड़ा सा देखिए इधर हम पुलाव में भी धनिया का पत्ता डाल दे रहे हैं, आपके पास मटर वगैरह है तो मटर वगैरह भी डाल सकते हैं आप। बंद कर लेते हैं, सेम बर्तन में बन जाएगा। अब बस एक भीसल आएगा हमारा पुलाव बनकर तैयार हो। इधर हम धनिया थोड़ा दाल तड़का में भी डाल देते हैं, दाल तड़का कहीं तो लिए लेने गई थी खेत में। इसमें मैं हींग नहीं डाली हूँ, अब तड़का में एक पिंच, तो देखिए एक सीटी आने वाला है, बस एक ही सीटी लगाना ही है हमें, नहीं तो गीला हो जाएगा पुलाव। इधर पुलाव भी बन गया है, इधर बच्चे आए हैं सलाद वगैरह काट दिए हैं, अब जल्दी से सर्व कर लेंगे। देख रहे हैं कितना बढ़िया पुलाव बना है, कुकर दिमाग काम नहीं कर रहा है। सलाद तो भाई यहाँ पर ढेर सारा सलाद, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए दोस्तों। आज का धनिया बड़ा महंगा पड़ गया, क्यों कल लिया था। चलो भाई खाना वाना तैयार हो गया सब लोगों के लिए, पापा के लिए ले जा लेते भाई प्लेट एक, भाई सब लोग फटाफट खाएंगे सब में एक बड़ा पड़ेगी। तो आज के प्लेट में क्या है ललित भाई, ओहो आम का सीजन आ गया भाई, फ्राई दाल है ना मम्मी, मम्मी हींग डाले तो मजा आ जाता है यार। कैसा बना है भाई, बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत तड़का। भाई देखो जितना सिंपल खाना तो उतना मजा आता है भाई, सच बता रहा हूँ, जितना आप ना चिकन विकन नहीं खा पाओगे उतना दाल चावल खा लोगे। और ललित भाई प्रिंस भाई सब लोग मिलके खा रहे हैं, अब मेरे को भी भूख लग गई है। और इस वीडियो को मम्मी लाइक तो कर देना चाहिए ना मम्मी, मम्मी ने बताओ बना दिया हमारे लिए, तो मम्मी के लिए एक लाइक तो बनता है, जो जो लोग अपनी माँ से प्यार करते हैं एक लाइक कर दें। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे अनिल जी के किचन के साथ, तो फिर मिलेंगे नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, खाते रहिए मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहे अनिल जी की दुनिया के साथ, जुड़े रहिए अनिल जी के किचन के साथ।